और अलीपुर में यौम पाकिस्तान के मौका पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन हसन ने परचम कुशाई करके तकरीब का आगाज किया। तकरीब में पाक आर्मी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआएं भी की गयी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुबीन हसन का कहना था, तकरीब में इकट्ठे होने का मकसद करारदाद के दिन जो अजम किया था उसकी याद को ताज़ा करना है। 23 मार्च जदीद अहद का दिन है। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करेंगे। करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश करके पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। 7 साल की जदोजहद से पाकिस्तान वजूद में आया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता कयामत कायम दायम रहेगा। हम सब मुतहिद होकर आलमी ताकतों की साजिशों से लड़ सकते हैं। दूसरी जानब गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेड मास्टर अनायतुल्ला भट्टी का कहना था, आज के दिन पूरी पाकिस्तान अजम करती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर कुर्बानी देने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। वक्त आने पर हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जान का नजराना भी पेश कर देंगे। आज़ादी एक नेमत है और हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। जदीद अहद का दिन है। आज का दिन हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने तमाम इख्तलाफात, चाहे वो जात पात के हों, चाहे वो इलाके के हों, चाहे वो फिरका वाराना हूँ, उन सब को नज़रअंदाज करके हम एक मुत्तहिद कौम के तौर पर अपने वजूद को बरकरार रखें। इत्तेहाद से ही हमारा मुल्क कायम रह सकता है। अगर हमने अपने मुल्क को कायम रखना है तो हमने अपनी सोच में भी इत्तेहाद पैदा करना है और अपने अमल में भी इत्तेहाद पैदा करना है। ये जो इख्तलाफात हैं नस्ल की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर, आज का दिन ये हमसे तकाजा करता है कि हम इन तमाम इख्तलाफात को दूर करें और इस्लाम के परचम तले और पाकिस्तान के परचम तले अपने आप को मुत्तहिद करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम कौम है और इंशाअल्लाह ता कियामत पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। आज 23 मार्च पूरे पाकिस्तान की तरह अलीपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें रेस्क्यू 1122 और तहसील इंतजामिया ने हिस्सा लिया। और इस दिन के मनाने का जो मकसद है, एक तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उन लीडरान को जो पाकिस्तान के जो हीरो थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, कुर्बानियाँ की, और सिर्फ जो है ना चंद सालों में 1940 में ये करारदाद पास होती है और 1947 में एक नया मुल्क हमें दिया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए क्योंकि हम अब आज़ाद हैं तो हमें आज़ादी का ख्याल, अब ये आज़ादी की अगर कीमत पूछनी है तो हमें कश्मीर से पूछनी चाहिए कि उनके नज़दीक कितनी आज़ादी की कीमत है। तो इसलिए मेरी तमाम लोगों से अपील है, वो जितना इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इत्तेहाद के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए वो काम कर सकते हैं, वो ज़रूर अपना हिस्सा इसमें मिलाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।